भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गहलोत के राज्यसभा में चुने जाने पर उनके गृहनगर जोधपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी का माहौल है। राजेंद्र गहलोत आपातकाल के दौरान 21 महीने जेल भी रहे थे। वे 1990 में सरदारपुरा सीट से पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, पार्टी को सबा को बहुत बहुत धन्यवाद। सबा बहुत अच्छा है, काम खूब करिया, खूब करी। राजस्थान ही प्राथमिकता रहेगी, राजस्थान के सदस्य राजस्थान से चुने जाएंगे, राजस्थान को ही अहमियत देंगे। और पहले भी उन्होंने बहुत काम किए हैं, जो तुमने पानी का पानी लाना हो और UIT के टाइम में गौरव पथ के बनाने हो और भी कई कार्य करने हो, विकास के कार्य करने हो, वो पहले भी करते रहे, आगे भी करेंगे। काम करना उनकी प्रवृत्ति रही है और हमेशा से काम में ही उनका मन लगा रहता है। जनसंघ के समय से स्थिति यह है कि वो उस समय से आपातकाल के अंदर भी 14 महीना जेल में रहे और जेल के बाहर आने के बाद स्थिति यह रही, जब उनको जब भी कैसा भी दायित्व मिला है वो मंत्री भी रहे। देखो, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, उनके मतलब जो भी जिम्मेवारी मिली है वो पूर्व मंत्री रहते हुए भी उन्हें पार्टी का आदेश हुआ कि आपको पार्षद का चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने पार्षद का चुनाव भी जीता। एक आम कार्यकर्ता बनकर वहाँ जाकर पार्षद का चुनाव जीतकर फिर वापस आए और आज पार्टी ने रिवार्ड दिया है और इसी कारण से आज वो राज्यसभा सांसद के रूप में चुने गए। पूरा जोधपुर नजरें लगाए रखे हुए हैं गहलोत साहब पर, क्योंकि सबके चहते हैं गहलोत साहब और जल भागीरथ के नाम से जाने जा रहे हैं। अब उनको नया कार्य करेंगे भाई साहब से ये उम्मीद है।